कैसे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊँ थोड़ा। अच्छा, कुछ पन्ने जिंदगी। सोनू जी बहुत देर की तो आरजी बन गई। सोनू जी ओफो, ये सोनू जी कौन है? इतनी इज्जत, इतनी इज्जत मत दो मेरी अर्धांगिनी। ना मैं अपने को योग्य समझता हूँ आपकी नजरों में, और ना ही मैं आदि हूँ आपकी तरफ से इतनी इज्जत का। अभिजीत दा से आपकी बहुत पुरानी दोस्ती है। अभिजीत दा को मैं पहली बार जब मिला था तो मैं सुदीप स्टूडियो में था, एकदम स्ट्रगल की तरह नया नया आया था। और अभिजीत लाल शर्ट पहन के आया था, और सेकंड टाइम हमारी मुलाकात हुई थी मेरिडियन में, और तब आपने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। ये भी याद है कि दुबला पतला सिंगर अकेले 1.5 किलो चिकन खाया था इसने। आई नो, रिकॉर्डिंग थी और दादा वहाँ पे आए, और एकदम मतलब एक लड़की ने ऐसा जादू किया, ऐसा जादू किया, चोरी चोरी मेरा दिल ले लिया, दिन दिन ता, ये गाना साथ में गाया था मैंने दादा के। कौन सा गाना है? फिल्म थी मुकाबला, दादा वो भी गाना था, चल चलिए वहाँ पे दिल जानी, और चल चलिए वहाँ पे दिल जानी, यारों की गले यार मिले। वो मेरे लिए पहले पहले गाने थे इसलिए मुझे याद है। मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप अभिजीत को मिले तो आपको क्या अभिजीत बहुत खड़ूस, बदमाश और नटखट या एटीट्यूड वाले लगे आपको? नहीं, एटीट्यूड वाले नहीं लगे, लेकिन फ्रेंडली भी उतने नहीं थे जितना बाद में बने। हाँ, तो जब सामने अगर कोई बोले कि मैं सिंगर हूँ, मैं भी गा रहा हूँ, तो मैं क्यों फ्रेंडली रहूँ? तो मैं खुद नया नया एक या दो पिक्चर में गाया होगा। आपकी इसी ईमानदारी के हम कायल हैं और घायल हैं। इट इज सच एन ऑनर टू नो यू। आप इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, इतना अच्छा व्यक्तित्व है आपका, एकदम ट्रांसपेरेंट। जो आप बाहर हैं वही अंदर है। प्यार है तो प्यार है, और प्यार नहीं है तो नहीं है। बहुत ही रेयर क्वालिटी होती दादा, एंड रियली अप्रिशिएट ऑल दैट। आपकी लीडरशिप स्किल्स कमाल की हैं। नए सालों से आप अपना दुर्गा पूजा जो चला रहे हैं, हर साल बड़े से बड़ा होता जा रहा है। आपके जो आइडियोलॉजी है लाइफ की, वो बड़ी क्लियर कट है। कुछ जो चीजें हैं, कभी कभी मैं आपको कहता हूँ कि मैं इन बातों को नहीं मानता, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बात की इज्जत नहीं करता कि आप इतने हिम्मत वाले हो, इतने ब्रेव हो, और डरते नहीं हो किसी से, साफ बात करते हो। आपकी इस बात की बहुत बहुत कदर करता हूँ। फिर आपको ये तो पता ही है कि मेरा सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा है? तुम आई तो हवाओं में, ये आपने गाना इतना बढ़िया गाया है, इतना बढ़िया गाया है। लोग अगर जो समझदार होंगे वो समझेंगे कि इस आदमी ने कितना ठहराव से, हवाओं में एक नशा है, इस जगह पे इतना ठहराव, करेक्ट वजन, करेक्ट और सुंदरता आवाज की। आपकी आवाज भी ऐसी है कि मतलब दिन ब दिन और भी यंग होती जा रही है। कलाकार होने के बाद कलाकारी तो संभाल के रखा ही, लेकिन आपने अपनी डिग्निटी को कभी खोने नहीं दिया, और आपने कभी अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनाया। ये एक आपका व्यक्तिगत सत्य है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको अंतरंगता से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, या काम नहीं मांगा, या ऐसी कोई बात नहीं की जिससे लगे कि अरे ये बेचारा अभिजीत भट्टाचार्य, इनको थोड़ा काम देना पड़ेगा यार। आपने हमेशा रौब से, डिग्निटी से जिंदगी जी है, और मुझे पता है कि आप जैसा इंसान सर झुका के हाथ फैला के जी भी नहीं सकता। तो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू यू फॉर दैट, और इसी तरह जितना मुझे आप प्यार करते हैं, और थोड़ा प्यार कर लेना, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा ज्यादा करता हूँ। क्या है सोनू, मेरे लीडरशिप में सिर्फ मेरा काम और मैं ही हूँ, उसमें और कोई नहीं है, लेकिन आज आप पूरे सिंगर्स के, पूरी कम्युनिटी, चाहे वो बंगाल की हो, या साउथ की सिंगर्स हो, या हमारे पंजाब के हों, या हमारे बॉलीवुड के हों, पूरी सिंगर्स कम्युनिटी के आप लीडर हो। जो मुद्दा आपने एक बार शुरू किया है, वो लीडरशिप में आपको सल्यूट। मैंने जितना भी किया अपने लिए किया, मैंने सब कुछ काम अपने लिए किया, अपने रंगबाजी से रहा, लेकिन आप दूसरे सिंगर्स के लिए जितना कर रहे हो, एक लीडरशिप, यू आर लीडर ऑफ ऑल द सिंगर्स। दादा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, जब तक ही आप जैसे लोगों का, और यार, तारीफ किया है, जो हो उसको मान लो ना, मैं तुमने जब मेरी तारीफ की तो मैंने मान लिया, हाँ यू आर राइट, अभी मान लो ना, तुम क्यों अपनी सफाई दे रहे हो? यू आर सच ए गुड लीडर, और तुम्हारी बातों में वजन है, तुम्हारी बातों में डोमिनेंस है, सामने वाला चार बार सोचेगा तो वो है तुम्हारे में, तो यस बोलो ना यार। अरे सो स्वीट, जो इंसान अपने को दिया हो क्रेडिट मुझ पर लाद रहे हैं, तो फिर आप भी तो बढ़तन अपना दिखा रहे हैं, और कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं। आप एंजॉय कीजिए, हैव अ नाइस इंटरव्यू सर, और फिर आपको जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे।
अच्छा मधुरिमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिसको मैं घर पे सुन रहा हूँ इतने टाइम से, अब रेडियो पे सुनना पड़ेगा, कमाल है यार, ये क्या लाइफ कर दी भगवान ने मेरी। चलिए मुबारक हो, बोलती रहिए, बुलवाती रहिए, और फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद तोड़, इतनी तोड़ फोड़ करते तुम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यूल ब्रेक। अरे यार सोनू, अरे दादा ब्रेक की बात ना बोलिए, आंखों से आंसू ना जाएंगे। ठीक है, ओके दादा, एंजॉय, ओके बाय बाय। इतने दबंग और ऑनेस्ट, कैसे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊँ थोड़ा। अच्छा अच्छा।